सांबा जिले में धान की कटाई के बाद अब किसान गेहूं की बिजाई करने में जुट चुके हैं, मगर अब किसानों को गेहूं की पैदावार बढ़ाने वाले डीएपी न मिल पाने के कारण किसानों के लिए परेशानी बनी हुई है, जिस कारण किसानों को अगली फसल लगाने में देरी हो रही है। डीएपी खाद की किल्लत से जूझ रहे किसान गेहूं की बिजाई के सीजन में अधिकतर खाद डीएपी उपलब्ध नहीं है। 1350 रुपये में मिलने वाला 50 किलोग्राम का बैग मिल रहा है। 1500 से 2000 के बीच कुछ डीलर डीएपी को ब्लैक में बेच रहे हैं और कुछ किसानों को अन्य सामान और दूसरे खाद का बैग भी लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसको लेकर किसान बेहद परेशान है। उन्होंने प्रशासन और संबंधित विभाग से इस समस्या की ओर ध्यान देने की मांग की है। मैं सुखदेव सिंह चौधरी, किसान यूनियन जम्मू कश्मीर कन्वीनर। अब ये मैं किसानों की तरफ से बोल रहा हूँ कि जो किसानों की कटाई वगैरह तो तकरीबन हो चुकी है और बुहाई का टाइम चल रहा है, लोग बुहाई कर रहे हैं और अगली फसल की बुहाई कर रहे हैं। यहाँ पे जमींदारों को खाद की किल्लत आ रही है, खाद की वजह से कम बुहाई हो रही है या बिना खाद के लोग रहाई कर रहे हैं। तो सरकार से हमारी यही अपील है कि डीएपी खाद जो है वो जमींदारों को जल्द से जल्द मुहैया करवाई जाए, ताकि किसान भाई जो हैं सारे अच्छी फसल उगा सकें, टाइम की खाद लगा के और लोगों को फायदा हो सके। हम दोबारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और बनी हुई नई सरकार से अपील करते हैं कि हमारे लोगों को, जमींदार लोगों को, उनके बारे में सोचा जाए और इनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, खाद की ज़रूरत है, खाद मुहैया करवाई जाए जल्द से जल्द। जय हिंद जय भारत। सर समस्या आ रही है, एक तो खाद नहीं मिल रही है, अभी डीएपी चाहिए गेहूं के लिए तो मिल नहीं रही, जो थी पहले ख़त्म हो गई, अभी तो सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो खाद है डीएपी वो पहुंचाए डीलरों के पास, ताकि सभी किसानों को मिल सके। सर फिर बुआई में थोड़ा पड़ता है, आपको पता है नुकसान तो होगा ही, अगर डीएपी नहीं मिलेगी तो लेट हो जाएगी, कल को फसल भी बारिश की वजह से नहीं भी आगे बुआई, लेट सीजन चला जाएगा। ये बोलो आ रही है ही बोलते हैं सभी, रैक लगने वाला रैक कब लगता है पता नहीं, आती है जो खत्म हो जाती है। क्या डिमांड है? डिमांड यही है नई गवर्नमेंट से कि खाद की पूर्ति कर दो, और हो सके तो किसानों के जो बिजली है खेतों में, किराया जो मोटरों पंपों का जो चलते नहीं है, साल भर एक दो महीना चलाते तो उनका किराया कुराया माफ हो सके तो कर दो, हमारी नई सरकार से यही विनती है। देखो मेरा नाम सुरेश शर्मा हूँ, मैं सांबा जिला के जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के सीमावर्ती गांव पकड़ी का निवासी हूँ, पेशे से किसान भी हूँ। इस समय किसानों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और गेहूं की बिजाई के लिए डीएपी खाद जो है वो नहीं मिल रहा है, और जो खाद डीलर हैं जिनके पास कहीं पुराना स्टॉक है तो वो खाद को, डीएपी खाद को ब्लैक कर रहे हैं, और वो खाद जो है 1500 से लेकर 2000 रुपए के बीच किसानों को मिल रही है, और जिसका सरकारी रेट 50 किलो बैग का जो है निर्धारित है वो 1350 रुपए है, और कुछ डीलर किसानों को उसके साथ नैनो यूरिया का जो ल्यूकड है वो देने को मजबूर कर रहे हैं, और कुछ पोटास के लिए कहते हैं, और यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो पहले तो डाई है ही नहीं, जिन डीलरों ने कहीं डंप करके रखी है वो ब्लैक में बेच रहे हैं, और किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से धान की कटाई की ज़्यादा तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर कहीं है 30-40% जो धान की कटाई रह गई है, वहाँ पर किसान जो है वो कटाई कर रहे हैं, साथ ही अगेती फसल लगाने की कोशिश थी कि गेहूँ की फसल बीजें, लेकिन उसमें परेशानी ये हो रही है कि किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रहा, और साथ ही किसान इसलिए भी दुखी है क्योंकि किसानों को धान की फसल का रेट भी सही नहीं मिल रहा। अगर बात करूँ शरबती वैरायटी की तो 2200 से 2300 रुपए क्विंटल व्यापारी ले रहे हैं, और अगर बासमती धान की बात करूं तो उसका भी मैं आपको बता देता हूं कि जो धान कंबाइन मशीन से निकाली गई फसल है उसका व्यापारी जो है वो 3700-3800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दे रहे हैं, और जो फटाई करके जो है धान निकाली गई है जो श्रमिकों ने काटी थी उसका 4,400 रुपया मिल रहा है किसानों को, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो धान की फसल का रेट पिछले साल की तरह ही है, इस बार भी कोई पूछ नहीं रहा है, किसान परेशान है, और पहले तो खर्चा बहुत ज़्यादा है, अगर श्रमिकों ने कटाई की है तो वो भी 6,000 रुपया ले रहे हैं एक एकड़ का, तो अगर इसके साथ ही अगर बात करूँ तो कंबाइन मशीन वालों का भी इस बार रेट ज़्यादा था, 3200 रुपये से लेकर अगर बात करूँ तो 4,000 रुपये का एकड़ के ले रहे हैं, और किसान वर्ग कुल मिलाकर हम सरकार से अपील करते हैं किसानों को कम से कम समय पर जब बिजाई करनी हो उन्हें खाद बीज तो उपलब्ध जो है वो करवाया जाए। साइओम पावर सिस्टम लाए हैं न्यू ईयर धमाका ऑफर, अब हर एक्साइड नियो भारत और एक्साइड पावर पर पाएं 15,000 रुपए का डिस्काउंट, जबकि एक्साइड नियो पर मिलेगा 5,000 रुपए का कैश डिस्काउंट।
साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, यूएसबी चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत एलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा। चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बुहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191-255-4360-255-4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।